भाई रिटेल सोर्स बिल्डर का पार्ट 7 लो, पार्ट 7 लो, पार्ट 7 लो भाई। मैं जब भी किसी वीडियो का कमेंट सेक्शन खोलता हूँ ना, तो मुझे पार्ट 7 के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं पार्ट 7 खेलने वाला था, लेकिन मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था रिटेल स्टोर सिमुलेटर में खेलने का। लेकिन मुझे बाद में पता चला इस गेम में अपडेट आया जिसमें आप एम्प्लॉय लाइसेंस वगैरह सब परचेज कर सकते हो। तो भाई फिर मैंने बोला अब तो खेलना ही पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आ चुके अपन अपने गेम के अंदर, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है स्टोर रिटेल स्टोर सिमुलेटर अपडेट। तो फटाफट से चलते हैं अपनी शॉप के अंदर। उसे भाई देखो शॉप बाहर से अलग सी दिख रही है ना भाई, यहाँ पे शॉप की जगह बढ़ गई है। पहले अपने को अपग्रेड करना पड़ता था, एक्सपांड करना पड़ता था, लेकिन अब एक्सपांड नहीं करना है, अभी तो ऑलरेडी जगह अच्छी खासी दे रखी है। और तो भाई इस गेट को खोलते और अंदर देखते, अंदर भी कुछ चेंज है क्या? हाँ भाई अंदर बस ये चेंज है कि थोड़ी सी सुंदर हो चुकी है, पहले थोड़ी कम ग्राफिक्स वाली दिखती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा शानदार लग रही है। वैसे भाई ये रहा अपना कंप्यूटर, इसके अंदर अपने को चार ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, एक शॉप का और कस्टमाइजेशन का, अब इसमें चार ऑप्शन है, शॉप, कस्टमाइजेशन, मैनेजमेंट, बैंक। यानी भाई ये बैंक में देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा कैसे इस बैंक के जरिए मैं लोन ले सकता हूँ। मान लो भाई मैं कुछ ज्यादा आइटम परचेस कर रहा हूँ या मेरे को एम्प्लॉय हायर करने, तो मैं लोन तक ले सकता हूँ बैंक में। भाई ये बहुत बढ़िया काम कर दिया इन्हें। वैसे भाई कैमरे का भी ऑप्शन है, भाई कैमरे का ऑप्शन तो मैंने देखा ही नहीं। कैसे यहाँ पे अपन फोटो खींच सकते हैं अपन अपने स्टोर की, और भाई गजब यार ये एक नंबर अपडेट आया। वैसे भाई यहाँ पे मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है, इसमें क्या कर सकता हूँ। अच्छा तो कैसे ये बिल है, और ये बिल बता मैं क्यों यूज करूंगा। मान लो मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करता हूँ मेरे स्टोर पे, तो बिल तो भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अपन बिल, रेंट वगैरह, जमीन का भर सकते हैं, चलो बढ़िया। वैसे भाई इसके अलावा यहाँ पे लाइसेंस है, अपन प्रोडक्ट के लाइसेंस परचेस कर सकते थे। पहले क्या था, अपने को जो प्रोडक्ट परचेस करना कर सकते थे, लेकिन अब अपने को लाइसेंस परचेस करने पड़ेंगे तभी जाके अपन वो प्रोडक्ट परचेस कर पाएंगे, चलो बढ़िया। तो कैसे आप देख सकते हो भाई लाइसेंस कितने महंगे महंगे, $40 का लाइसेंस है, $80 का लाइसेंस है, $110 का लाइसेंस है, भाई बहुत महंगे महंगे लाइसेंस है। वो लास्ट वाला कितने का है, 460 का। तो अपन सीधे ₹460 दे दे क्या? नहीं नहीं अभी वेट करते, एक बार प्रोडक्ट भी एक बार ढंग से देख लेते, उसके बाद यहाँ पे अपन परचेस करेंगे। अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कितना पैसा है मेरे पास, कैसे मेरे पास सिर्फ $305 है, यानी बहुत कम पैसा है। भाई अपने को बहुत ध्यान से यूज करना है इसको, क्योंकि अभी अपने को प्रोडक्ट भी परचेस करना है, अपने को फर्नीचर भी परचेस करना है, बहुत काम है। तो फटाफट से चलते हैं वापस से कंप्यूटर में। अरे कैसे जाऊं भाई, अच्छा हाँ कंप्यूटर में चलते हैं। और यहाँ पे अपन चलते हैं कस्टमाइजेशन में, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ आई। कैसे इसमें शॉप एक्सपेंड का ऑप्शन आ चुका है, पहले भी था लेकिन अब 4-5 लेवल बढ़ गई है। यानी अपन अपनी शॉप को इतना एकदम डीमार्ट जैसा बना सकते हैं, एक मॉल टाइप बना सकते हैं, इतना ज़्यादा अपन एक्सपांड कर सकते हैं, भाई बढ़िया। वैसे भाई यहाँ पे अपन कलर चेंज कर सकते हैं, वॉल्स का कलर चेंज कर सकते हैं। पहले पता रिटेल स्टोर सिमुलेटर में सिर्फ अपन जो साइन बोर्ड होता था ना उसका नाम कलर चेंज कर सकते थे, लेकिन अब अपन वॉल का भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जब भी अपन अमीर हो जाएंगे ना बॉल का कलर चेंज करवाएंगे। इसके अलावा भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन सीधे चलते शॉप में और प्रोडक्ट देखते हैं भाई प्रोडक्ट कितने महंगे आ रहे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो अब अपन जनरल में आ चुके हैं, और भाई जनरल में ब्रेड खरीद सकता हूँ क्या मैं? हाँ, तो कैसे यहाँ पे अपन जनरल में ब्रेड खरीद सकते हैं। अगर आपने 6 पार्ट मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा हर बार मैं ब्रेड ही परचेस करता हूँ, तो आज भी अपन ब्रेड से शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन परचेस कर लेते हैं ब्रेड का पहला पैकेट, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे अपने बास्केट में डाल दिया, इसका कर देते पेमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, अब अपन फटाफट से बाहर चलते हैं। भाई यहाँ पे फर्नीचर नहीं है ना, हाँ तो यहाँ पे अपने को एक फर्नीचर भी परचेस करना ही पड़ेगा। तो इस वापस से चलते अपन शॉप में और एक फर्नीचर भी परचेस कर लेते। कहाँ है फर्नीचर? गाइस ये फर्नीचर वाली जगह, यहाँ पे अपने को एक फर्नीचर मिल रहा है सिंगल सेल्फ वाला $99.99 का, यानी मेरे पूरे $100 सिर्फ फर्नीचर में ही जाएंगे यार। भाई चलो कोई नहीं, परचेस तो करना ही पड़ेगा, तो अब अपन परचेस कर लेते, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक परचेस कर लिया है फर्नीचर। अब अपन बाहर की साइड एक बार देख लेते कि अपना ऑर्डर आ चुका है क्या। हाँ गाइस यहाँ पे अपना ऑर्डर आ चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, फटाफट से इसको उठाते हैं। वैसे भाई जो प्रोडक्ट है, अरे भाई प्रोडक्ट नहीं यार, अभी अपने को फर्नीचर लगाना है, तो अब अपन इसको प्लेस कर देते हैं। अरे प्लेस हो जा भाई, ठीक है। अब अपने प्लेस कर दिया, यहाँ पे अपन अपना फर्नीचर उठाते हैं और इसको लगा देता हूँ मैं इधर की साइड, ताकि इसमें सामान रख पाए। भाई प्रोडक्ट कहाँ पे रखेंगे, फर्नीचर में ही रखेंगे ना, जमीन पर तो रखेंगे नहीं। तो आप अपन ने ये फर्नीचर मंगवाया, इसके ऊपर अपने को सामान रखना है, तो इसको सही तरीके से प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो आप अपन ने प्लेस कर दिया इस वाले फर्नीचर को, बस अपने को ये वाला आइटम रखना है इस फर्नीचर पे। फटाफट से यहाँ पे फिल शेल्फ कर देते। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपन ने ब्रेड के पूरे 8 पैकेट रख दिए, और अभी अपने को इसका प्राइस सेट करना है ना। तो अभी अपन इसका प्राइस कितना सेट करें, $2.99 में अपन ने इसको परचेस किया है, तो मैं इसका $5 प्राइस रखूंगा। भाई $2.50 का तो प्रॉफिट मेरे को होना ही चाहिए, तो आप अपन 5.5 का कर देता हूँ, क्योंकि 2.99 इसका प्राइस है, तो भाई 2.5 का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, इसलिए 5.5 कर देता हूं, ठीक है। तो गाइस यहां पे अपन ने 5.5 सेट कर दिया, हो गया ना। हां गाइस $5.50 हो चुका है सेट। अभी अपन एक काम करते हैं, जो डब्बा खाली है ना इसको डस्टबिन में डाल देते, ताकि गंदगी नहीं हो शॉप में, भाई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे अपन इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। अरे फेंक दिया क्या? हाँ गाइस मैंने यहाँ पे डस्टबिन में फेंक दिया। तो भी अपन एक काम करते हैं, फटाफट से कर देते शॉप को ओपन, ताकि कस्टमर आ सके। भाई शॉप नहीं ओपन करूंगा तो मजा नहीं आएगा। अब अपन कर देते शॉप को ओपन। अरे यार शॉप ओपन हो जा भाई,
ठीक है गाइस, यहाँ पर अपने कर दी शॉप ओपन। अभी अपने एक काम करते, काउंटर पर खड़े हो जाते और वेट करते कस्टमर्स के आने का। कस्टमर जैसे आएंगे अपने को उनसे प्रोडक्ट लेना है, बिलिंग करके उनको दे देना। तो अब अपन वेट करते। वैसे भाई आई तो है ये, अरे आना ओए अंदर आना। कैसे आ नहीं थी, क्या बोल रही है? नाइस शॉप बट वेयर इज क्रिस्पी चीबी कैरल। अच्छा कैसे इसको क्रिस्पी चेबल करके एक प्रोडक्ट है वो चाहिए था। चलो कोई नहीं, अभी अपन दूसरे कस्टमर्स का वेट करते हैं। वैसे भाई एक और आया, ये पैंट सूट में आया, ये शायद तो मेरी शॉप में आ सकता है। अरे भाई मेरी शॉप में आ जा रहे, और मेरी शॉप में आ जा रहे, मेरी शॉप में आ जा भाई, इसको उठा के ले आऊंगे अंदर। यार ये या आएगा नहीं भाई, जा रहा है भाई। भाई मैंने इसको अपनी तरफ बुला लिया। उस भाई इसने बास्केट भी उठा लिए, बट फटाफट से दो तीन पैकेट उठा ले ब्रेड के, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो उठा लिया इसने, दूसरा भी उठा लिया, एक और उठा ले, तीन पैकेट हो जाएंगे। एक और उठा लिया भाई, मजा आ गया। चलो ठीक है, इसने तीन पैकेट चार पैकेट उठा लिया। अभी अपन काउंटर में खड़े हो जाते हैं। भाई एक और कस्टमर आया यहाँ पे, भाई दो दो कस्टमर ले रहे हैं यहाँ पे। तो भी अपन एक काम करते हैं, इसका प्रोडक्ट स्कैन कर लेते हैं। भाई इसने चार पैकेट परचेस किए ब्रेड के, इसका कितना प्राइस हुआ? $20 ना, ठीक है। तो अब अपन कंफर्म कर देते हैं, $20 कितना चेंज देना है? अच्छा 28 का अपने को चेंज देना है ना। तो अब अपन 10-10 के दो दे देते हैं। अब अपने को $8 देना है, तो 5 का 1, 2 का 1, 1 का 1, ठीक है। तो कैसे अब अपने इसको दे दिए चेंज, बाय बाय कर दिया उसको। और वैसे यहाँ पे एक और कस्टमर आया जो कि दो ब्रेड के पैकेट परचेस करना है, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं स्कैन। इसका कितने चेंज देना है अपने को? $9। तो 5 दे देते और 2 के 2 दे देते, ठीक है। तो कैसे इसको भी अपन ने चेंज दे दिया। यहाँ पे भाई दो कस्टमर आ चुके हैं, वैसे कितने ब्रेड के पैकेट बचे? भाई 2 ही बचे हैं। और भाई देखो कितना जल्दी जल्दी सामान बिक रहा है। देखो यहाँ पे एक और आंटी आई, ये भी ब्रेड खरीदने आई, इसे भी फटाफट से ब्रेड स्कैन कर लेते हैं। कितना हुआ इसका प्राइस? $5.50 ना, ठीक है, $5.50, ठीक है। तो कैसे आप देख सकते हो अपना बस पूरा का पूरा प्रोडक्ट खत्म हो चुका, बस एक ही पैकेट बचा है। तो अपन एक काम करते हैं, फटाफट से कंप्यूटर में चलते हैं और एक और ब्रेड का डब्बा मंगवा लेते हैं। भाई बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है यार, कस्टमर जल्दी जल्दी आ रहे, कस्टमर को सामान मिलना चाहिए, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। तो अब अपन ब्रेड का एक और पैकेट मंगवा लेते हैं जनरल में जाके, ठीक है, एट बास्केट, ठीक है। कैसे आप अपने एक और ऑर्डर दे दिया है ब्रेड का पैकेट का। फटाफट से यहाँ पर अपन इस वाले डब्बे को उठाते हैं और इसको फटाफट से यहाँ पर जमा देते हैं। फटाफट से जमा देता हूँ मैं, ठीक है। कैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 8 पैकेट जमा दिए। इस डब्बे को अपन फटाफट से डस्टबिन में फेंक देते हैं। वैसे भाई एक कस्टमर वेट कर रहा है मेरा काउंटर में। भाई मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा। मतलब आ रही हूँ यार, मतलब आ रहा हूँ यार, लड़की है ना ये, सॉरी। इसको अपन 1 पैकेट दे देते हैं। चलो ठीक है। तो कैसे आप देख सकते हो भाई मैंने वो वाली कस्टमर्स को भी सामान दे दिया। और वैसे भाई एक और आई है यहाँ पे जो कि 3-4 पैकेट परचेस कर रही है। भाई इतनी डिमांड है रे ब्रेड की, डिमांड ही डिमांड है ब्रेड की। मतलब मैं जब भी ब्रेड परचेस करूंगा ना 5 मिनट में तो खत्म हो जाती है। मैं एक काम करूंगा, अब पता मैं 4-5 डब्बे मंगवा लूंगा ब्रेड के, पूरी शेल्फ को ब्रेड ब्रेड से भर दूंगा, फिर देखता हूँ। हाँ कस्टमर ऐसे कैसे खत्म कर देंगे? वैसे भाई ये आइए, इसको दे दे 5 पैकेट। भाई ये तो भाई लग रहा है पूरे समाज को सैंडविच ही खिला के मानेगी। चलो ठीक है, इसको स्कैन कर लेते हैं। क्या प्राइस हुआ उसका? 22.50 है ना। तो यहाँ पे अपने को उसको 22.50 का चेंज देना है। तो 10-10 के 2 दे देते हैं और 2 का 1, $50 देने अपने को पॉइंट्स में। तो यहाँ पे अपन दे दे पॉइंट्स में, ठीक है। गाइस मैंने इसको सामान दे दिया है, इसने पैसे भी दे दिए और वैसे भाई मेरे पास अच्छा खासा पैसा भी हो चुका है। चलो बढ़िया, बस ऐसे ही अपने को कमाना। वैसे भाई क्रेडिट कार्ड दे रहा है क्या? ना ना यार, क्रेडिट कार्ड देते ना मजा आता है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अपने इसको भी सामान दे दिया। और अभी अपन एक काम करते भाई, अब अपन ना नए टाइप का आइटम मंगवाएंगे। अभी अपन ब्रेड मंगवा रहे ना और सारी की सारी ब्रेड बिक गई, सॉरी। तो अभी अपने एक काम करते, कोई नया टाइप का प्रोडक्ट मंगवाते, उसकी देखते डिमांड कैसी है। तो यहाँ पे अपन चलते जनरल में और देखते कुछ दूसरे आइटम में परचेस कर सकता हूँ क्या। यार नहीं यार गाइस, मेरे को इन वाले आइटम्स परचेस करने के लिए लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। और मेरे पास अभी कितना पैसा है? मेरे पास $253.17 है। तो मैं देखता हूँ लाइसेंस अगर सस्ता आ रहा होगा ना तो अपन एक लाइसेंस परचेस कर लेंगे। तो अभी अपन एक काम करते हैं, मैनेजमेंट में जाके एक बार लाइसेंस चेक कर लेते हैं, लाइसेंस कितने कितने का आ रहे हैं। भाई यहाँ पे लाइसेंस देखो $40 से स्टार्ट है, उसके बाद $80 है, $110, यानी बढ़ते जा रहा है प्राइस। तो अभी अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अपने को लाइसेंस परचेस करना है, तब जाके लाइसेंस परचेस करेंगे ना, ऐसे दूरी कर लेंगे। तो अब अपन शॉप में चलते हैं और देखते हैं किसका अपने को लाइसेंस परचेस करना है। देखो यहाँ पे एग है, एग नहीं रखूंगा मैं, मेरी शॉप में वेजिटेरियन शॉप है भाई मेरी शॉप, ठीक है। यहाँ पे पी कैन है, कैन ऑफ फिश है, कैचअप का इसमें कैचअप रख सकता हूँ। इसका प्राइस $3.54 है। इसके लिए अपने को लेवल 2 चाहिए। मेरी कितनी लेवल है? एक सेकंड मेरी लेवल देखने दो मुझे। अरे भाई मेरी लेवल, अच्छा मेरी लेवल 1 है ना, ठीक है गाइस। मेरे को अपनी लेवल 2 करनी पड़ेगी, तब जाके मैं वो लाइसेंस परचेस कर पाऊंगा। तो अपन एक काम करते, फर्स्ट लेवल का लाइसेंस परचेस कर लेते, $40 का आ रहा है, बाय। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक लाइसेंस परचेस कर लिया है। अब अपन चलते शॉप में और देखता हूँ मैं अब कौन कौन से प्रोडक्ट परचेस कर सकता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे परचेस कर सकता हूँ बरेली पिस्ता,
पास्ता सॉरी, ठीक है, बरेली पास्ता मैं परचेज कर सकता हूँ। तो पर इसके दो पैकेट मंगवा लेते हैं, एक दो है ना, और एक ब्रेड का पैकेट मंगवा लेते हैं। ब्रेड तो कॉमन हो गए, बाकी ये बरेली पिस्ता अपन ने पास्ता अपन ने न्यू आइटम रखा है, तो फटाफट से अपन बाहर चलते हैं और इसको फटाफट से अपनी शेल्फ में जमा देते हैं ताकि भाई कस्टमर आ सके। तो उसको अपन एक काम करते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं है ना, उसको ऊपर फटाफट से अपन जमा देते हैं। भाई इसका देखो पैकिंग इतनी शानदार है, अभी अपन इसका प्राइस भी एकदम शानदार सेट कर देते हैं। इसका मैं प्राइस सेट करूंगा $5, ठीक है, इसका $5 सेट कर देते हैं सेट, ठीक है गाइस। यहां पे अपन ने बरेली पास्ता का प्राइस सेट कर दिया $5। अभी अपन एक काम करते हैं, इस डब्बे को नीचे पटकते हैं और दूसरा डब्बा जमा देते हैं। इसमें क्या है भाई, इसमें भी पास्ता है क्या? ना ना भाई, इसमें तो ब्रेड है, तो ब्रेड को अपन इधर रखते हैं क्योंकि यहां पे लास्ट टाइम भी इधर अपन ने प्राइस वगैरह सब सेट करके रखा है। तो अब अपन ने भाई यहां पे ब्रेड भी जमा दी, बस अपने को एक और पैकेट जमाना है बरेली पास्ता का, उसके बाद देखते हैं भाई बरेली पास्ता की डिमांड है कि नहीं। अरे हे भाई देखो भाई, मैंने जैसी बरेली पास्ता रखा उसके 2 से 3 पैकेट ये लेके जा रही है। डिमांड तो है पास्ता की भाई, पास्ता तो मेरे को भी पसंद है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, फटाफट इसको जमा देते हैं, ये जितने खाली हो चुके हैं ना यहाँ पे शेल्फ में भर देते हैं, ठीक है। इधर अपने भर दिए, यहाँ पे भी अपन भर देते हैं बरेली पास्ता, इसका $5 सेट, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे अपने प्राइस वगैरह सेट कर दिया, फटाफट इस कस्टमर को दे देते हैं सामान। कितना हुआ इसका प्राइस भाई? 5 पैकेट परचेज किया, नहीं 4 पैकेट परचेज किया, इसको $30 का अपने को चेंज देना भाई। इसका वैसे प्राइस कितना हुआ पता नहीं, कितना हुआ यार, अभी अपने इसको चेंज दे देते हैं, जो 10-10 के 3 देने अपने को, ठीक है। यहाँ पे अपने इसको चेंज दे दिया, पता नहीं मेरे को कितना पैसा दिया वो नहीं पता चला मेरे को, बाकी बस मैंने इसको चेंज दे दिया। और भाई ये देखो, ये भी बरेली पास्ता लेके आया, कितने पैकेट लेके आया देखो, 3 पैकेट तो बरेली पास्ता के, 2 ब्रेड के, भाई गजब यार, एकदम अच्छा अच्छा खरीद रहे भाई ये। उसको $18.50 का अपने को देना है चेंज, तो पहले दे देते 10 का, फिर 5 का, फिर 2 का, फिर 1 का और फिर 50 का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अपन ने इसको भी चेंज दे दिया, अब एक और कस्टमर आया भाई, ये तो ऐसा लग रहा है वेटर टाइप लग रहा है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, फटाफट से इसको चेंज दे देते हैं, 10-10 के 2, उसके बाद 2 का 1, 1 का 1, फिर 50 का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अपन ने इसको भी दे दिया सामान, और एक और कस्टमर आई है, इसको भी फटाफट से अपन इसका इसका आइटम स्कैन कर लेते हैं, उसको भी दे देते हैं चेंज, 10 का, 10 का, 5 का, 2-2 के 4, उसके बाद 50 का, ठीक है गाइस। इसको भी दे दिया भाई, कस्टमर ही खत्म नहीं हो रहे यार, क्या सामान खत्म हो गया क्या भाई? देखो सिर्फ एक ही ब्रेड का पैकेट बचा है पूरे शेल्फ में, इसको अपन भेज देते हैं, फिर शायद तक भाई एक ही पैकेट बचेगा, उसके बाद वापस से मंगवाना पड़ेगा यार अपने को। तो इसको अपन देते हैं $30 का चेंज, ठीक है। इसको अपन ने चेंज दे दिया, भाई क्रेडिट कार्ड वाले नहीं आ रहे ना, हाँ भाई आ ही नहीं रहे, चलो कोई नहीं। तो अभी अपन एक काम करते हैं भाई, जो भी जमीन पे डब्बे ना, इसको उठा के अपन बाहर फेंक देते हैं डस्टबिन में, हाँ गंदगी लग रही है अपनी शॉप में, तो अपन इसको फेंक देते हैं, ठीक है। एक डब्बा अपन ने फेंक दिया, ये दूसरा डब्बा भी अपन फटाफट से उठा के इस वाले डस्टबिन में फेंक देते हैं, डन। तो गाइस दूसरा डब्बा भी अपन ने फेंक दिया, बस यहाँ पे लास्ट डब्बा बचा है, इसको भी अपने को फेंकना, उसके बाद अपनी पूरी शॉप हो जाएगी क्लीन। अरे हो जा रहे भाई क्लीन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अपने सारे के सारे डब्बे फेंक दिए, तो अभी अपन एक काम करते हैं, ये वाली जो कस्टमर है ना, इसको फटाफट से सामान दे देते हैं, ये एक ब्रेड का पैकेट लेके आए हुए हैं, उसके बाद मेरी पूरी शॉप में सामान नहीं खत्म हो जाएगा, एक भी पैकेट नहीं बचेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड लेके आइए, इसको 5.50 का सामान दे देते हैं, ओके। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने सारा के सारा कस्टमर्स को दे दिया सामान, यहाँ पे भाई पूरी शेल्फ खाली हो चुकी है, इतना सामान मंगवाया था, ब्रेड के 3-3, 4-4 डब्बे मंगवाए थे, पास्ता के डब्बे मंगवाए थे, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, और ऊपर एनडी भी लिखा हुआ आ चुका है। वैसे भाई आज अपन ने कितने $295.09 कमाए, वैसे भाई रात भी हो चुकी है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, शॉप को कर देते हैं क्लोज, क्योंकि भाई इस गेम में चोर भी आ सकते हैं। तो अब अपन शॉप फर्स्ट ऑफ ऑल कर देते हैं क्लोज, ठीक है, क्लोज कर दी। वैसे भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बंद कर सकता क्या मैं भाई? यहाँ पे अंधेरा करना है मेरे को, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बटन कहाँ है? ना ना भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं कर सकता, चलो कोई नहीं। यहाँ पे अपन इस वाले गेट को बंद करते हैं, और यहाँ पे बंद कर देते हैं शॉप को क्लोज, अरे कर दूँ मैं क्लोज, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे, अरे यार गेट बंद नहीं करना है, शॉप क्लोज करना है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे अपने कर दिए शॉप क्लोज, फटाफट से यहाँ पे अपने साइड में घर है, फटाफट से वहाँ पे जाके सो जाते हैं।